हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात तो आपको सबको थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया। एक वीडियो मेरा 2K क्रॉस कर चुका है और मेरा दूसरा पहला वाला वीडियो 1K क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट, और मेरा ऑलमोस्ट नियरली अभी 100 सब्सक्राइबर्स भी पहुंचने वाले हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए मेरे को बहुत बहुत सारा थैंक यू। और आज मैं निकला हूँ बोंडला जाने के लिए। बोंडला गोवा में ये वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए जाना जाता है, और इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ग्रीनरी रहता है। अभी मैंने 2 वीडियोज़ मैंने चर्चिस के कवर किए हैं, तो मैंने सोचा आज इस टाइम मैं गोवा का ग्रीनरी दिखाऊँ, थोड़े ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक ग्रीनरी और एनिमल्स और बोंडला वन ऑफ द फेमस ये है गोवा का प्लेस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं उसको कवर करूँ। तो आप चलिए और देखते हैं कि कैसा है सब। हम लोग अभी जू में एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ हम लोगों को सबसे पहले मिला है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो आप इसका थोड़ा वीडियो देख लेना कि कैसा है। वो हिलता भी नहीं है, तो एक जगह पड़ा हुआ है, तो उसको जूम करके मैं दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। वो देखो थोड़ा बारीक सा ग्रास पत्तों के नीचे रहेगा, तो वही क्रोकोडाइल है। वो हिलता नहीं है, तब से अभी आए हुए हैं और वो ऐसे ही अटका हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं और थोड़े दूसरे एनिमल्स भी देखते हैं, आप चेक कर लेना। तो ये हमारे जू के पैरट्स हैं, थोड़े बहुत आवाज़ कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है तो चेक कर लेना। तो अभी हम आ गए हैं स्नेक हाउस में, ये जू में। तो आपको अलग अलग तरीके से रसल वाइपर और फिर कॉमन कोबरा सब दिखेंगे, तो आप यहाँ से देखने स्टार्ट कर देना। ये देखो, ये इस टाइम तो मूवमेंट कर रहे हैं। ये है रसल वाइपर, ये है कोबरा, जहाँ के आपको शायद ऊपर नाम दिख भी हो रहा होगा। ये है कोबरा, ये है फॉरस्टन कैट स्नेक। फिलहाल वो देखो इस कोने में, उस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है, दिख नहीं रहा है, सोया हुआ है। तो ये गाइस, ये पोकोपाइन है, जिसके आपने इसमें देखा होगा, कभी वीडियोस देखा होगा। इनसे सेफ डिस्टेंस रखना ही अच्छी बात होती है, और ये कांटे छोड़ देते हैं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये पोकोपाइन थे। तो ये है हमारा इंडियन रॉक पाइथन, जिसको अजगर भी कहते हैं। मोस्टली ये आधे टाइम तो सोए हुए रहते हैं, इनका मूवमेंट कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आपको कितने बड़े हैं आप देख के पता चलता रहेगा आपको। ये मोस्टली एक बार खाना खाते हैं और 24 घंटे से 48 आवर्स तो ऐसे ही सोए पड़े रहते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ने हाफ जू कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी का बचा हुआ है। तो आपने अभी तक देखा होगा कि क्रोकोडाइल, पैरट्स, स्नेक्स, वो सब देखे हैं। अब और थोड़ी जगह जाने के बचे हैं, तो वो देखना है। ये है बोटानिकल गार्डन, और वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो एक नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगी, तो आप उसके लिए बने रहना, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और अभी आप थोड़ा व्यूज
तो गाइस ये है हमारी स्वीट सी वीडियो बोंडला के बारे में। तो आपको आई होप यू आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बताने वाला था कि एंड में अगर नेक्स्ट वीडियो के बारे में, तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कवर करूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। लाइक गोवा का एक हॉन्टेड प्लेस है, तो वो हॉन्टेड प्लेस को मैं कवर करने जाऊंगा थोड़े दिन में। तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू।